नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आम को फलों का राजा कहा जाता है, इसे लगभग हर व्यक्ति पसंद करते हैं। यही नहीं, इसका इंतज़ार सभी को रहता है। अभी हम हैं पटना के बेली रोड के इलाके में और यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आम की ही मंडी जो है वह दिख रही होगी। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। तो गर्मियों के मौसम में यह लोगों को जो है अलग सुकून देता है। और लेकिन इस साल जो आम के जो दीवाने हैं उनको कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल आम जो है कहीं ना कहीं महंगी भी है और सस्ती भी है इलाके के अनुसार। जैसे आप इनकम टैक्स से आते हैं तो आप इनकम टैक्स गोलंबर पे अगर ख़रीदारी आप करते हैं फल मंडी में तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, सचिवालय की तरफ रुख करते हैं, सचिवालय में भी आपको उससे थोड़ी सी कम जो है पैसों में ख़रीदारी हो सकती है। लेकिन अगर आप बेली रोड की तरफ बढ़ते हैं तो इस इलाके में आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश किए हैं, आप सुनिए कि क्या कुछ जो लोग हैं वह क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या खरीद रहे हैं? आम का रेट अभी गिरा नहीं है, बहुत महंगा है। कैसे है अभी? 550 का पसेरी बता रहे हैं। आप पहले बार यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, इससे पहले कहीं? पहली बार हम खरीदारी कर रहे हैं और उसके पहले भी लिए हैं, लेकिन 80-90 का केजी आता था, अभी 100 कम आसपास चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि इस इलाके से ज़्यादा महंगा जो है वो इनकम टैक्स के पास मिल रहा है। इनकम टैक्स पास मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा लोग पहुँचते हैं ना, इसलिए ये रोड में है तो रोड में जो रुकते हैं वो लेते हैं। यहाँ सस्ता कुछ है, आम तो है, स्वाद है कि स्वाद आप लोगों को लग रहा है कि फिर बेस्वाद? नहीं, स्वाद तो है, अभी कम है, बारिश होगा उसके बाद ज़्यादा स्वाद आएगा। लोगों के स्वाद के अनुसार जो है आम की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या खरीदी है आप? लीची। लीची कैसे है? 100 रुपये केजी है। महंगा हो गया है कि सस्ता है? महंगा ही हुआ है, नॉर्मल रेट है, यही थे। पीछे में तो 180 बता रहा है। शाही लीची का दाम था ना? अच्छा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट जो है वह बताया जा रहा है। बता दें कि पटना के बेली रोड इलाके में जो मंडी फलों की लगती है, यहाँ पर जो भी लोग रास्ते से गुजरते हैं वह कहीं ना कहीं आमों को देख करके थोड़ी देर गाड़ियों को जरूर रोकते हैं और खरीदारी करते हैं, दुकानदार से भी बात करते हैं। अभी आम का रेट क्या कुछ चल रहा है भाई जी? 100 रुपये चल रहा है। किस कौन कौन सा आम? बस अभी खाली मालदा बिक रहा है। और बस मालदा ही बिक रहा है खाली। उसी में कोई दुधिया मालदा होता है, कोई और मालदा? दुधिया ही मालदा बिकवे करता है यहाँ। अच्छा जी, दूसरा कोई आम नहीं, कोई आम नहीं बिकता यहाँ। ये अलग अलग टोकरियों में रखे हुए हैं, एक ही तरह का आम है? सब एक ही तरह का आम सबका, लेकिन प्राइस अलग अलग है? नहीं, एक ही सब है, एक ही है। कुछ और दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। भाई जी, अभी मार्केट में कौन कौन सा आम आया हुआ है? मार्केट में बम्बई है, जरदालू है, मालदा है, रात रानी है, हिमसागर है, बस। सबका प्राइस क्या है? सबका सब रंग का प्राइस है, जैसा कौन कौन सा आम है? अभी सिर्फ मालदा है। मालदा है, मालदा में भी कौन कौन सा है? दुधिया मालदा है। इसका क्या औरों से क्या, इसका स्वाद में या फिर और भी क्वालिटी में? इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, पतला छिलका होता है, पतला आठी होता है, इसके लिए दुधिया मालदा कहलाता है, समझे? इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। एक होता है तेलिया मालदा होता है, उसको आपका दाम भी सस्ता रहेगा और वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। लोग बता रहे हैं कि अभी महंगे आम मिल रहे हैं मार्केट में। अभी वहीं से महंगा है, अभी धीरे धीरे देखिए रेट घट रहा है तो घट भी करेगा आगे आने वाले समय में। 700 से पसेरी से अब 400 पे आ गया है, पहले 700 था, 700-800 ऐसे बिक रहा था, अभी भी 500-600 रुपये अभी भी मिल रहा है। नहीं नहीं, देखिए क्वालिटी पे होता है। अभी देखिए इंसान कपड़ा लेने जाते हैं तो कोई 100 रुपया का भी होता है, कोई 500 का भी होता है, वही हिसाब का। ये तो मनेर का आम कह रहे हैं 110 रुपये, और वो पता नहीं कौन सा आम है 100 रुपये। इस साल क्या लगता है, आम महंगा है या सस्ता है?
आम का तो मुझे लगता है हर साल यही रेट रहता है, तो ये नॉर्मल रेट है, लास्ट ईयर भी यही रेट था, कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। आम लोगों को काफ़ी पसंद भी है, इसलिए लोग ज़्यादा गर्मियों में इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब हमारे घर में तो सब लोग, मालदा हम तो सब लोग बहुत प्रेफर करते हैं खाना, तो मतलब हम लोग यही साल, मतलब जितने दिन मिलता है यही आम खाते हैं, प्रेफर यही करते हैं। हमेशा यहीं से लेकर जाती है? नहीं, हमेशा यहाँ, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का आम हम लोग को मिल जाता है, तो प्रेफर करते हैं यहीं से लेने का। वैसे तो अदर जगह से भी लेते ही हैं। एक 10 किलो बोल रहा है, 100 रुपया किलो दे रहा है। पहली बार यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, रोज़ खरीदते हैं हम लोग, रोज बैंक में नौकरी करते हैं हम लोग, यहाँ सचिवालय से लेके यहाँ तक जो भी अच्छा दिखता है हम लोग लेते हैं। सचिवालय ज़्यादा बेहतर है क्वालिटी के मामला में, सचिवालय के पास अच्छा है वहाँ का, इधर थोड़ा सा डिटोरिएट है, वहाँ से क्वालिटी में डिटोरिएशन है। हाँ, रेट में भी अंतर है, रेट का भी अंतर है, रेट और सामान का क्वालिटी दोनों में अंतर है। क्या क्या आम का इस्तेमाल करने वाले, कैसे कैसे खाएंगे? ये तो पका हुआ आम है, तो सीधे खाने वाला है, इसे तो कुछ बनाया नहीं जा सकता, सीधे खाने वाला है। हाँ, महंगाई तो चरम पे है मैडम, महंगाई पूरी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या लग रहा है दामों को लेकर? ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है, रेट ज़्यादा है अभी, रेट हमको लगता है आने वाला समय में भले कम हो, लेकिन अभी रेट तो बहुत ज़्यादा है। एक के जी? एक के जी क्या दाम है? 400 रुपये पसेर, 80 रुपये के जी। अच्छा, क्या लगता है, महंगा है सस्ता है? यहाँ तो महंगा ही है, महंगा है। आप पहला बार यहाँ खरीदारी कर रही हैं? नहीं, हम हमेशा यहीं से लेकर जाते हैं। तो क्या लगता है कि दाम पिछले साल से इस साल महंगा है या सस्ता? पिछले साल का तो याद नहीं है। इस साल रसोई पे असर पड़ा, जेब पर असर पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है, हमेशा महंगा ही खरीद रहे हैं। क्या क्या बनाएंगे आज? क्या बनाएंगे, आम खाएंगे और रोटी सब्जी। घर में बच्चे जिद करते हैं जैसे सेक बनाने के लिए, कई तरह का? हाँ हाँ, वो सब बनते रहे। तो आपने सुना कि क्या कुछ जो कस्टमर हैं जो खरीदारी करने आए थे आम, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना? दुकानदारों का भी आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना है? कुल मिलाकर देखा जाए तो आमों का स्वाद का आनंद जो है भरपूर लोग उठा रहे हैं, इसका लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। आपको कहीं भी कैमरे से अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो कहीं भी नज़रें आपको आपकी जा रही होगी, वहां तक लोग जो हैं वह खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कम नहीं हो रही है, चाहे महंगी हो या फिर सस्ती। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।